नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पे। अभी ये सीरीज है 5 शेयर्स 300 डेज, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग 10% कैसे बनाएंगे और कौन से शेयर्स हम लोग बाई करेंगे। तो ये मेरी जो शीट आपके सामने ओपन है, वो शीट है कि मैंने कौन कौन से दिन में कौन से शेयर्स लिए हैं और उनको कितने दिन हो चुके हैं। तो ये अपडेटेड है और आप इसमें देख सकते हैं कि कौन से शेयर मैंने लिए हैं हर पांचवें दिन में, डेट वाइज। यहाँ पे स्टार्ट डेट है, यहाँ पे किस दिन में लिया था और आज कितने दिन हो चुके हैं उसको 10। और अपना टारगेट है कि 300 दिन के अंदर मुझे 10% बनाना है, जिसमें से एक ही स्टॉक अभी तक 10% बना पाया है, बाकी कोई अभी तक नहीं पहुंचा है उसके पास। इस शीट में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो 3 पार्ट में है। एक पार्ट में जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक जो मैंने अपने बाई किए हैं उसमें से कौन सा टॉप पे है, कौन सा लोवेस्ट में है, और आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो लोवेस्ट वाले को मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोवेस्ट वाले को खरीद सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल स्टॉक है। बाकी सेकंड पार्ट में ये रहेगा कि आज के मेरे 5 रिकमेंडेशन कौन से हैं, कौन से 5 शेयर मैं आपको देना चाहता हूँ, कौन सा मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो वो रहेगा। तीसरे पार्ट में मैं किसी भी एक शेयर को चूज करूंगा और उसके बारे में हम लोग जस्ट जीरोधा में एक सिंपल टर्म में देखेंगे। देखिए, मैंने हमेशा बोला कि मेरे 20 से 30 पॉइंट्स करीबन रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 24 पॉइंट्स हैं जिसपे मैं जज करता हूँ कि कौन से शेयर लेने चाहिए मुझे। और ये सब चीजें आपको बुक से मिल सकती हैं, काफी अच्छी बुक्स हैं, लाइक इन्वेस्टर्स आप ढूंढ सकते हैं, काफी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, कईयों ने लिखी हुई हैं, आप उनमें से देख सकते हैं। और मैं बस आगे बढ़ने से पहले यही बोलूंगा कि पैसा आपका है, मनी आपका है, किसी की सजेशन पे ना जाए। आप अपना पैसा डालने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करें, सीखने में कोई बुराई नहीं है, आप सीखेंगे तो खुद ही किसी से भी ज्यादा एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। और शेयर मार्केट का एक ही रूल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा बोला जाता है कि भाई आपके पैसे यहाँ पे आपके लिए पैसे का काम करते हैं, भले आप सो रहे हो। तो चलो चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हम लोग। ये पूरे पुराने थे और मैंने कल के शेयर्स भी जो मैंने कल खरीदे थे, IDFC फर्स्ट, ONGC, इनको भी अपडेट कर दिया था। एवरेज आउट भी कुछ शेयर्स हैं जिसमें मोस्टली एक्चुअली ONGC ही रिपीट हुआ है। तो आज के हम देखते हैं कि टॉप 2 निगेटिव स्टॉक कौन से हैं। टॉप 2 निगेटिव स्टॉक है मेरे ONGC तो 18% है, ये एवरेज आप निकाल सकते हैं बाद में, ONGC है लेकिन ये कवर कर लेगा। और सबसे बड़ा है VEDL यानी वेदांता। वेदांता एक्चुअली कल आप देखोगे तो 55% निगेटिव में था, अगर आपको पुराना वीडियो याद होगा तो 55% निगेटिव तक पहुंचा था, यानी 58 से निगेटिव से 51 पे आ गया है। और अभी तक मैंने इसको वापस बाई नहीं किया, अगर आज मैं इसको बाई करूं तो 50% पे आ सकता है। मेरा इन्वेस्टमेंट केवल रहेगा, टोटल मुझे इन्वेस्टमेंट करना 3,000 रुपए और मैं इसको 50% पे ले आऊंगा, राइट। यानी 50 to 51% का निगेटिव, अगर मैं सेम डबल ले लेता हूँ तो 2% पे आ जाएगा, मैं सॉरी 25% पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि टॉप पॉजिटिव स्टॉक कौन से हैं। पहले आपने देखा था कि कल केवल 2 स्टॉक पॉजिटिव थे, आज देखते हैं कि कितने स्टॉक पॉजिटिव हैं। मार्केट कल से बहुत अच्छा जा रहा है, सो 12.50 तो हम लोग ऑलरेडी हो चुका है। देखिए 6% पे कोई आ चुका है और 4% पे भी कोई आ चुका है, 2% पे आ चुका है, तो इन काफी स्टॉक मेरे पॉजिटिव आ चुके हैं, मैं इन पे नहीं जाना चाहता। तो अभी देखते हैं कि सबसे टॉप पे कौन सा है। टॉप पे आप देखोगे तो 10 दिन में ही ज्योति लैब्स अपने को 6% दे चुका है और महिंद्रा 4% दे चुका है, जबकि वो 52% वीक के हाइक पे जा चुका है, उसके बावजूद उसने अभी तक 4% तक रिटर्न दिया है। अगर आप जैसे नॉर्मली, मैं 10% का टारगेट रखा, मैंने बोला भी कि मैं 10% रखता हूँ, बट 3% के ऊपर भी अगर आप बेचोगे खरीदोगे तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, क्योंकि 3% वो विद इन 10 से 15 दिन में नॉर्मली कोई भी शेयर, जो अच्छे शेयर्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर आप 3% करके भी करो तो आप कंपाउंडिंग में ज्यादा पैसा बना सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट हमने 10% पे रखा, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ये 10% के ऊपर जाते हैं, मैं GTT ऑप्शन लगा देता हूँ जीरोधा में, जब वो नीचे घटेगा तभी बिकेगा, अगर वो ऊपर बढ़ता जा रहा है तो मैं शेयर को बेचता नहीं हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, उधर आने से पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी ये 5.766% पे आ गया है, यानी जो अभी निगेटिव मेरा एवरेज गोल 10% है, बट अभी ये -5.66 पे आ चुका है, राइट, जो कि 7.9 पे चल रहा था पिछले वीक में। तो आपको ये फायदा तो हो ही गया। अब आगे देखते हैं कि हमारे कौन से शेयर्स हैं जो हम लोग आज खरीद सकते हैं। ये कल की रिकमेंडेशन थी, आज की रिकमेंडेशन हम लोग देखते हैं कि कौन से शेयर ले सकते हैं, राइट। तो चलो इनको हम वापस कर लेते हैं। टाइटन फर्स्ट है, टाइटन
देखो टाइटन का मैं एक्चुअली ज्यादा शेयर खरीदने वाला था, बट आज मार्केट इतना ज्यादा हाई है कि मुझे ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने 1 शेयर खरीदे हैं क्योंकि आपको मैं दिखा सकूं कि कौन से शेयर्स में पोटेंशियल दिख रहा है। ये आज ही बढ़ा है 4% करीब, तो कोई मतलब नहीं है आपको 6 से 7% हाई पे खरीदने का। तो आज मैंने एक खरीद लिया है, कल को मैं वापस इसको जब निगेटिव जाएगा तो आई कैन एवरेज इट आउट अगर वो आता है तो। वैसे आज का रिकमेंडेशन ये है, आपके डिपेंड करता है कि आपके पॉकेट में कितना पैसा और आप कितना ले सकते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा मैक्सिमम 5 शेयर्स आप टाइटन के ले सकते हो बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। दूसरा है आज का रिकमेंडेशन ब्लू डार्ट, जो 52 वीक के हाइक पे पहुंच गया था कल, और अच्छा है आज के टाइम पे, काफी अच्छा जा रहा है। काफी दिनों बाद इसने वापस अपना फ्लो पकड़ा है आगे बढ़ने का। सो ये भी मेरा रिकमेंडेशन, ये भी हाई वैल्यू स्टॉक है, सो आप इसका एक स्टॉक अभी फिलहाल ले लो। जब ये नीचे -10% 20% जाए तो आप वापस उसको एवरेज आउट करके आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हो उसमें। तीसरा स्टॉक है टाटा पावर। आप घूम फिर के देखोगे तो कल टाटा मोटर्स आया था, अब टाटा पावर्स है, और रोज टाटा के अभी देखना आपके कुछ ना कुछ स्टॉक्स आते रहेंगे क्योंकि टाटा में काफी चीजें चल रही हैं, सेमीकंडक्टर से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके केमिकल, सब आपस में लिंक हैं, जिसके कारण टाटा के हर स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आज के टाइम पे। सो टाटा पावर भी ऐड किया है मैंने। चौथा है मेरा आइडिया यानी वोडाफोन आइडिया, जो हमेशा लेता रहता हूँ। काफी निगेटिव है अभी के टाइम पे, बट ठीक है, मैंने आज 10 शेयर उठा लिए क्योंकि ज्यादा वैल्यू नहीं, तो करीबन 100 रुपए के मैंने 102 रुपए के शेयर ये उठा लिए टोटल, तो 86 का ये, सॉरी 102 बोल रहा था मैं, 86 के उठा लिए मैंने 10। और पांचवा स्टॉक है मेरा क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन मैंने आज ले लिया है। क्रॉम्पटन भी अभी 52 वीक के हाइक पे ही चल रहा था आजू बाजू, और ये काफी ग्रो कर रहा है। तो दीज आर द 5 स्टॉक्स जो कि मेरे मैंने आज के टाइम पे ले लिए हैं। ये पूरे एक एक ही लिए हैं मैंने, हो सकता है कि ये कल भी मेरे रिपीट हो, डिपेंड्स कि मार्केट कल कैसा रहता है। अगर ये निगेटिव जाएंगे तो मैं डेफिनेटली इनको ऐड करूंगा, अगर ये पॉजिटिव जाएंगे तो मैं 1 शेयर ही ऐड करूंगा फिलहाल, क्योंकि काफी ज्यादा पॉजिटिव पे आप ले लोगे तो आज अगर मान लो लेते हो टाइटन को, टाइटन 6% 5% हाई पे चल रहा था, तो क्या फायदा है ना उस स्टॉक का आज के टाइम पे। तो चलो चलो देखते हैं फिर जो मैंने आज के लिए हैं, तो आपको दिखा सकते हो कि ब्लू डार्ट मैंने लिया, क्रॉम्पटन लिया, आइडिया लिया, आइडिया के 12 शेयर लिए हैं, तो इसको हम 12 कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई क्या किया, ठीक है। और बाकी सब मैंने 1-1 लिए हैं, काफी अभी ये निगेटिव हैं। आप टाइटन देख सकते हो कि 5% हाई पे, ब्लू डार्ट मेरे पास था नहीं तो मैंने ले लिया 1.7 पे। टाटा मोटर्स भी आप देख सकते हो कि ये हाई पे है, पुराना स्टॉक मेरे पास 7 था, आइडिया मेरे पास 77 है, और क्रॉम्पटन मेरे पास 2 ही स्टॉक थे जिसको आज मैंने ऐड कर लिया 1 स्टॉक। ये डिपेंड करते हैं कि ये कैसे नीचे ऊपर जाते हैं, कल कैसा परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर से लूंगा। तो आज कौन सा देखें, चलो ब्लू डार्ट ही देखते हैं ना। ब्लू डार्ट देखें, कौन सा देखेंगे आप बताइए, क्रॉम्पटन चलो देखते हैं। क्रॉम्पटन शायद मैंने नहीं देखा है फंडामेंटल आपके सामने, मतलब वीडियो में नहीं देखा। ओवरव्यू देखें, ओवरव्यू 1 साल का रिटर्न 16.88 है, जबकि CAGR 16.71 है, जो कि एक अच्छा साइन है। अभी हम इसके मिड कैप में आता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाता है, आप इसको चेक कर सकते हैं वापस। आप को मैं हमेशा ये सजेशन दूंगा कि आप खुद की भी R&D कीजिए। यहाँ पे मैं 4-5 पॉइंट ही डिस्कस करता हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा 4-5 पॉइंट मिलेंगे। ROE अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न कम है, एंट्री नो रेड फ्लैग, सब कुछ सही सही दिख रहा है। रिटर्न 0.01 का है आज के दिन में, जबकि मेरे बाई में वो निगेटिव है। तो 1 वीक का देखेंगे तो 4% रिटर्न दिया है, 1 महीने का देखेंगे तो -1.015 है, 1 साल के रिटर्न में 20% डाउन है। अगर आप देखोगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे स्टॉक मुझे पसंद आते हैं, क्योंकि जब ऊपर जाके नीचे जाते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। और 5 साल का देखो रिटर्न, अगर 5 साल पहले आपने 221 रुपए का लिया होता स्टॉक, तो आज के टाइम पे वो 300 है, यानी ज्यादा फर्क नहीं है, बट यहाँ पे 400 हो चुका था, यानी 17 से 5 साल में वो डबल हो चुका था आपका स्टॉक, राइट। अब मैक्सिमम देख लेते हैं, मैक्सिमम क्या वैल्यू रही है, 168% इसने रिटर्न दिया है। अगर मई 16 से आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ये निगेटिव ही गया है अगर आप देखोगे तो, और यहाँ पे भी वापस निगेटिव ही है। अब हम SIP को भी एक बार एनालिसिस, देखिए SIP बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बोलते हैं ना SIP लेना चाहिए, तो SIP का भी काफी आपको फर्क दिखता है। अब ये स्टॉक अच्छा है, आपको एवरेज अगर आप देखोगे तो 100 रुपए अगर आपने डाला है 2017 में अगस्त 2017 में, तो आज के टाइम पे वो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 6,000 हुआ होता और 7.7 मिला होता है आपको। लेकिन इसमें आप अगर देखोगे ना तो उतना ज्यादा रिटर्न नहीं है। देखिए आपके पास अगर 1 घंटा नहीं है दिन के लिए आपके पास पैसे कमाने के लिए एक्स्ट्रा, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर आपके पास 1 घंटा है
आधा घंटा है ना, आप लोग बोलेंगे कि नहीं 9 to 6 ऑफिस जाना पड़ता है, अरे ठीक है ना 9 to 6 ऑफिस जाना पड़ता है, तो लंच टाइम पे आप कर लीजिए ना, लंच मत खाइए आप घर से 8 बजे हैवी ना फूड करके निकलिए, और ये जब आप लंच कर रहे हैं उसी टाइम पे सलाद या कुछ खाते समय आप ये कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने काफी लेट किया इसलिए मैं फाइनेंशियल में तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, जैसे मैं आपको बोला यहाँ पे डिस्कस करके कोई फायदा नहीं फाइनेंशियल। सो आप इनके पीस देख सकते हैं, क्रॉम्पटन है, वोल्टास है, डिक्सन है एंड वर्लपूल ऑफ इंडिया है। वर्लपूल तो मैंने लिया ही हुआ है, आपने देखा कि पहले ही दिन लिया था मैंने, और इनके परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, वोल्टास और डिक्सन में ज्यादा फर्क नहीं है, ये काफी क्लोज ही गए हैं। वोल्टास अच्छा खासा गया है लेकिन ठीक है, तीनों ही निगेटिव गए हैं अपने ओवरऑल से, आप इनको देख सकते हो। और डिविडेंड की बात करें तो क्रॉम्पटन 0.69 देता है जो सबसे ज्यादा है इन कंपेरिजन टू बाकियों के, तो वोल्टास का भी अच्छा है। वोल्टास और क्रॉम्पटन गिव्स दो सजेशन है जो आप ले सकते हो हमेशा। होल्डिंग्स में चलते हैं, होल्डिंग्स जैसा मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बाकी क्या कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि आप बाकियों को देखो, क्योंकि ये लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, इनका तो फुल टाइम काम है, प्रमोटर्स तो इनके खुद के हैं तो सेम ही रखा है इन्होंने, थोड़ा सा घटा है वो तो ऊपर नीचे होता रहता है एक दो का। अगर आप म्यूचुअल फंड वालों का देखोगे तो 1% तक उन्होंने बढ़ाया है अपनी होल्डिंग्स, December 21 में जो थी और मार्च में जो थी वो थोड़ी सी बढ़ाई है, ये मार्च तक का डेटा है तो अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी मार्च तक आया है, जून का नहीं आया है। तो अब आगे जाते हैं हम लोग, अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में तो इन्होंने भी 0.02 बताया, बहुत ही निग्लिजिबल है ये, ज्यादा आपको फर्क नहीं डालता है, ये उतना पॉजिटिव वाला नहीं कह सकते कि ये बहुत पॉजिटिव है, बट वही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा घटाया है क्रॉम्पटन में, राइट। और आपको डोमेस्टिक रिटेल एंड अदर्स में रिटेल्स ने 1% का बढ़ाया, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, कुछ ने घटाया कुछ ने बढ़ाया लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है कि कुछ लोगों को एकदम ऐसा लगा है कि अभी इसमें कुछ बड़ा होने वाला है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वैसा बड़ा नहीं होगा, ये स्लो देगा पैसा बट आपको दे देगा पैसा। और अभी फोरकास्ट देख लेते हैं, आज हमने तो बाई कर लिया है और यहाँ पे एनालिस्ट को देखते हैं, 41 एनालिस्ट ने बोला है कि हमें ये बाई करना चाहिए, राइट। अगर आप होल्डिंग्स की बात करेंगे तो होल्डिंग्स में उतना पॉजिटिव साइन नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे एनालिस्ट ने 41 एनालिस्ट से बोला है कि हमें बाई करना चाहिए, और मैंने तो ऑलरेडी बाई कर लिया है, आपके सामने दिखाया है, 2 स्टॉक मेरे पास पड़े थे, आज एक खरीदा क्योंकि आज पॉजिटिव गया, कल निगेटिव जाएगा तो मैं वापस बाई कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन कि मेरा प्रिजम्पशंस या अजम्पशंस क्या कहते हैं, मेरे कैलकुलेशन क्या कहते हैं, मेरा रिजल्ट क्या कहता है। सो इतना ही डिस्कस करना था, बाकी तो आप लोग समझदार हैं, आप खुद से भी पढ़िए, मैं यही बोलता हूँ, और आप इसमें से ले सकते हैं कुछ भी जो लेना चाहें, ये पूरे स्टॉक है मैंने ले लिए हैं आज। सबसे एक और मैं बोलना चाहूंगा, मेरी पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे ग्लैक्सो स्मिथ जो फर्स्ट डे खरीदा था मैंने, वो आज 5% गिरा है, ये मेरा आज का हाई बाई ऑप्शन होगा आपके लिए, अगर आप लेना चाहते हो। 4% गिरा है, डेफिनेटली 4% गिरा, पिछले वीक में रिलायंस 7% गिरा था और मैंने इसको बाई किया कल या परसों मैंने बाई किया था, तो आप इसको भी बाई कर सकते हैं ग्लैक्सो को। मैं भी आज दिन भर का ऑब्जर्व करूंगा ग्लैक्सो, जरूर 1 या 2 शेयर्स में जरूर ऐड करूंगा। सो और वो कल मैं आपको इसमें दिखा दूंगा, मतलब शीट में दिखा दूंगा, लेकिन मैं यही रिकमेंड करता हूँ अगर आपने कोई शेयर बाई किया है वो 3% से नीचे जा रहा है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं एवरेज आउट, क्योंकि एक ही दिन में वो फिर आपको 3% तक का रिटर्न देगा। देखिए वेस्ट लाइफ इज कंप्लीट, वेस्ट लाइफ को मैंने जीटीटी में लगा के रखा था और वो कंप्लीट हो चुका है। जीटीटी भी देख लेते हैं एक बार, जीटीटी में मेरे कौन से ऑर्डर हैं, जीटीटी में देखिए कमिंस लगा के रखा है, गोदरेज लगा के रखा है मैंने, सीजी पावर, आईटीसी एंड अशोक लेलैंड लगा के रखा हुआ है जीटीटी में। ये पुराने शेयर खरीदे हुए हैं, इन शेयर्स में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये दो सब शेयर्स मेरे 10% के ऊपर चल रहे हैं इसीलिए मैंने इनको लगाया है। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी एक्सेल शीट को आप कॉपी करके आप सेम अपनी एक्सेल शीट भी मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले मैं केवल 5 रिकमेंड करता था, अभी मैं पूरा रिकमेंड करने लगा हूँ कैलकुलेशन के साथ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि कल को लोगों को पता चले कि कितने शेयर्स कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और पहले वीक में ही मैंने पहले दिन में कर लिया था 2-3 दिन में, इस बार थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे 10% में। लास्ट प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट 1 था 2020 में, जहाँ पे मैंने 52 डेज में किया था, लेट्स सी कि हम कितने दिन में हम लोग 10% पे पहुँचते हैं। मैक्सिमम शेयर्स जो बिकने चाहिए 52 डेज से पहले सब बिकते जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और लोगों को अगर पसंद आया है, अगर कुछ बुरा भी लगा है आवाज में या किसी चीज में भी, प्लीज उसके चाहिए, आपको कुछ सजेशन चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी, मैं उस पर वीडियो बना के आपको आंसर दूंगा, और जितना हो सकेगा मैं आपको पर्सनली आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो।